वाह, बस बस थोड़ी देर, एकदम आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपको दिखाएंगे आज का लाइव सेशन। ये देखिए, ये हैं जी, साले को क्या कहते हैं पंजाबी में दो दो पंजाबी च ये सवाल हैं जनाब साला मोहतरम, और फेसबुक ही भूख गया, करने फेसबुक। ये हैं साले साहब, आज साले साहब के बाल लग रहे हैं, और ये हैं बिनोई साहब। इनको हुए हैं कितने दिन हो गए हैं? 9 डे आज इनका, पहले इनका किया था और आज ये इनके बहनोई हैं। ये बहनोई हैं और ये इनके साले हैं, और ये इतने अच्छे ब्रदर इन लॉ हैं कि इन्होंने कन्विंस किया अपने ब्रदर इन लॉ को कि पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। ये उनको लेके आए और फिर 9 दिन बाद इन्होंने खुद कराया। और इनका शुरू में हमें लग रहा था कि नहीं अच्छा होगा क्योंकि बहुत वीक हेयर था, लेकिन अब रोशनी डालें मेरी कारकर्दगी पे ज़रा अच्छी सी। साले काम मोहतरम, जो है वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सेटिस्फैक्टरी है और काफी मेहनत की है। तो कितने घंटे तकरीबन पंचिंग किए मैंने ज़रा बताएं, 6 घंटे पंचिंग हुई है और और तभी इतना बाल निकला केक है रगड़ा दिया मैंने। हाँ क्योंकि आपने इजाज़त दी थी कि रगड़ दो, मुझे पीछे नहीं चाहिए। जी, और मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है, तो इंशाल्लाह सही होगा आगे भी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी FUE का रिजल्ट नहीं है, दिस एंड दैट, उनको ये बताते चलें कि आपको मेहनत करना पड़ती है। 6 से 7 घंटे मिनिमम या 5 आवर्स आपको देने पड़ते हैं टफ डोनर पे, तो ग्राफ्ट निकलता है। 1-1.5 घंटे में ग्राफ्ट उस तरह से नहीं आता। तो अभी एंड हो रहा है ऑलमोस्ट, फरहान मलिक एंड हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह सुबह, क्योंकि लेंथी प्रोसीजर है ना, खाना भी खाना होता है, ब्रेक भी लेना होता है पेशेंट ने, वॉशरूम भी। मुझसे फेसबुक पे किसी ने कमेंट करके पूछा कि रात में करती हैं, सुबह स्टार्ट किया था तो रात में एंड होता है, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा? जो लोग 4-5 घंटे में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर रिज़ल्ट में बाल भी 400-500 आते हैं, हज़ारों में नहीं आते हैं। आप बताएं, आपके 10 दिन गुजरे हैं, आपको कैसा लगा? नहीं दर्द हुई माशाल्लाह, कोई किसी किस्म नहीं के? बिल्कुल, ये तो पेनलेस प्रोसेस है। और सेकंडली मैम का हाथ इतना जबरदस्त है कि हम थैंक लोग मतलब पता ही नहीं चल रहा होता कि ये प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ है। सेकंडली मैम की जो एक्सपर्टीज है वो बेस्ट थैंक यू है, वेरी दूसरा मच। इनके ओपिनियंस और हम लोगों को जो मशवरे इन्होंने दिए हैं द बेस्ट। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो जो लोग सुन भी रहे हैं और जो देख रहे हैं, और मतलब हम लोग खुद सेटिस्फाई हैं। तो हम दो भाई हैं, तो जी, आप और इनको लोग मैंने बड़ा डार्कर साइड दिखाई थी और कहा था कि बाल बिल्कुल। बहुत वीक है, जो हाँ दी बेस्ट हो सका करेंगे लेकिन ज्यादा तवक्को ना रखना। हाँ लेकिन ये एक चीज जो है, डॉक्टर के जो अपना दी बेस्ट नहीं देते मैम, मेरे ख्याल में शायद इससे आगे हो नहीं सकता। हाँ इससे आसान जी, हो जाता वो ये भी कर लेती, तो बिल्कुल मैं कर लेती अगर इससे ये आगे होता तो। बिल्कुल मैडम के लिए हम लोग बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स देंगे। ठीक है, और थैंक इनका यू वेरी स्टाफ भी मच। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ठीक नो डाउट, है, और वो इन्वायरमेंट आपकी टीम होती है, टीम के बगैर जी आप बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, और बिल्कुल ये जो हमारी टीम है वो दी बेस्ट है, और वो भी पूरी ईमानदारी से काम बिल्कुल करते पूरी हैं। ईमानदारी से ये सब लोग जो है मतलब मास्टर ऑफ ऑल है। जो बंदा थैंक यू जिसको वेरी जो मच, काम दिया जाए वो मैम ने बहुत अच्छी ट्रेंड की हुई है। ठीक, बहुत हम लोग शुक्रिया, बिल्कुल सेटिस्फाई और आप लोग थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।